प्राचीन कामरूप यानी आज के असम में प्राचीन समय में एक नारी शासित इलाका हुआ करता था, जहाँ पे मर्दों का प्रवेश बिल्कुल भी वर्जित था। गलती से भी कोई पुरुष अगर उस नारी शासित इलाके में प्रवेश कर लेता था तो उन पुरुषों को कठोर दंड से दंडित किया करती थी। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को ले चलते हैं उसी नारी शासित इलाके में और उसी स्थान पे अवस्थित एक गुफा में, जहाँ पे मायावी नारियाँ आज भी जीवित रूप में हैं। इस स्थान को कडली या फिर कोंडोली पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि असम के नौगांव डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इस प्राचीन तथा रहस्यमय स्थान में सिर्फ साल में 3 दिन के लिए ही आना मुमकिन होता है। तो हम अभी आगे बढ़ रहे हैं नारी शासित इलाके की उस गुफा की ओर, जहाँ पे वो नारियाँ आज भी जीवित है। उन रहस्यमय नारियों को देखने के लिए बहुत सारे लोग विभिन्न प्रांत से आए हुए हैं। रहस्यमयी नारियों की गुफा तक पहुंचने से पहले एक मंदिर मिलता है, जहां कोई आम देवी या देवता नहीं बसते। यहां कोई और ही देवी या फिर देवता बसते हैं, जो कि बाद में मैं बताऊंगी। और उस गुफा के अंदर जाने से पहले इस मंदिर में आके माथा टेकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि गुफा बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी है। मंदिर दर्शन करने के साथ साथ यहाँ के पंडित जी से अपने हाथों में रक्षा सूत्र बांधना भी अत्यधिक जरूरी होता है, ताकि गुफा के अंदर कोई भी अनहोनी ना हो। तो हम अभी प्रवेश करने वाले हैं नारी शासित इलाके की उस गुफा में, जहाँ पे मायावी नारियाँ आज भी जीवित रूप में हैं। और यही है गुफा तक जाने का मूल प्रवेश द्वार। तो चलिए जल्दी से गुफा के अंदर हम चलते हैं और उन मायावी नारियों को देखते हैं, जिन नारियों ने प्राचीन काल में कई मर्दों को कठोर सजा दी थी। ये नारी शासित इलाका, इसके साथ जुड़ी हुई जो कहानी है, ये कहानी स्थानीय जनविश्वास या फिर जनश्रुति पर आधारित है, जो आगे वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। गुफा के मूल प्रवेश द्वार में ही एक गहरी खाई है, जिसे पार करने के लिए स्थानीय लोगों ने यहाँ पे टेम्पोररी ब्रिज बना के रखा है। स्थानीय लोगों की मदद से हम गुफा की अंदर प्रवेश कर रहे हैं उन नारियों को देखने के लिए। और इतने बड़े बड़े चट्टान आप देख रहे हो, और इसके नीचे यानी गुफा के नीचे से एक पानी का स्रोत भी बहता है, और गुफा के अंदर एक ठंडी ठंडी हवा भी चलता रहता है। लाखों चमगादड़ों का घर बन चुका ये गुफा प्राचीन काल में, जब नारी शासित इलाका हुआ करता था तब ऐसा नहीं था। मान्यता अनुसार ये गुफा रानी का राजमहल हुआ करता था, और उस रानी का नाम था प्रोमिला, लेकिन कोई कोई लोग कहते हैं कि रानी का नाम कमला भी था। इसी गुफा से रानी प्रोमिला या फिर कमला अपना नारी शासित इलाके की राज्यभार संभाला करती थी। इस नारी शासित इलाके में रानी, द्वारपालिका, सेविका, सैनिक सभी के सभी नारी ही हुआ करती थी, जहां पे पुरुष का आना बिल्कुल भी वर्जित था। लेकिन नारी शासित इलाका आखिर दिखता कैसा है, ये जानने के लिए एक उत्सुक ऋषिवर बहुत ही उत्सुकता से अपने भेष बदलकर नारी के भेष में इस नारी शासित इलाके की गुफा तक आ पहुंचे, और उन्होंने उस गुफा के अंदर प्रवेश करना चाहा,
लेकिन रानी प्रमिला या फिर कमला की जो सैनिक थी उन लोगों को पता चल गया था कि नारी भेष में ये कोई पुरुष है जो नारी शासित इलाके में प्रवेश करना चाहता है। और जब रानी प्रमिला या फिर रानी कमला को इस बात का पता लगा कि नारी शासित इलाके में कोई पुरुष अपना भेष बदलकर प्रवेश करना चाहता है, तब रानी प्रमिला को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और गुस्से के मारे रानी ने उस ऋषिवर को बहुत ही ज़्यादा कठोर सजा दिया और उनका अपमान भी किया। लेकिन ऋषिवर कोई आम इंसान नहीं थे, माना जाता है कि वो एक सिद्ध पुरुष है और उनकी उसी सिद्धियों के कारण, शक्तियों के कारण ऋषिवर ने उन नारियों को उस समय श्राप दे दिया कि उसी समय से रानी से लेकर जितने भी नारियां उस नारी शासित इलाके में रहती थी सभी के सभी हमेशा के लिए चमगादड़ बन जाए और इन्हीं चट्टानों पे उल्टा हमेशा के लिए लटकती रहे। और तभी से माना जाता है कि ये श्रापित नारियां हमेशा के लिए उस दिन से आज भी चमगादड़ बनी हुई इन चट्टानों पर लटकी हुई है। वीडियो के पहले मैंने आपको जो एक मंदिर दिखाया था वो कोई आम देवी या देवता का मंदिर नहीं है, बल्कि बादुली देवता यानी चमगादड़ देवता का है। स्थानीय मान्यता के अनुसार चमगादड़ बनी उन श्रापित नारियां अक्सर रोती थी और स्थानीय लोग उनकी रोने की आवाज़ सुनते थे और उनकी शांति के लिए लोगों ने यहां एक मंदिर का निर्माण किया, जिस मंदिर में साल में सिर्फ 3 दिन के लिए पूजा अर्चना होता है। और उसी पूजा अर्चना के दिनों को स्थानीय लोगों ने बादुली खुरुंग मेला का नाम दिया और इस स्थान का नाम ही है बादुली खुरुंग थान यानी मंदिर। और बादुली खुरुंग का मतलब होता है चमगादड़ का गुफा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।